केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर विकास और अन्य एजेंडों पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने सिरे से नकारा है। अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग फिजूल में बयानबाजी में लगे हुए हैं और बीजेपी के कार्यकाल में पूरे देश में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार की पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी कुंठा का प्रदर्शन करने के लिए अंतशंत बयानबाजी में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर विकास और अन्य एजेंडों पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने सिरे से नकारा है। अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग फिजूल में बयानबाजी में लगे हुए हैं और बीजेपी के कार्यकाल में पूरे देश में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी कुंठा का प्रदर्शन करने के लिए अंतशंत बयानबाजी में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा जिला में हाल ही में चिट्टा मामले में पकड़े गए बीजेपी नेता के पुत्र के पकड़े जाने पर भाजपा को घेरने के मुद्दे पर अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि बीजेपी पार्टी की अपने लोगों को बचाने की कोई नीति रीति नहीं रही है और कांग्रेस के लोग इस मुद्दे को बिना वजह से खींचने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बुनियादहीन बातों पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये आज न केवल हिमाचल प्रदेश, न ही भारत, बल्कि पूरा विश्व जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री को एक ताकतवर नेतृत्व के रूप में अब जानने पहचानने लग गया है। कांग्रेस की कुंठा ये है कि वो दिनों दिन उनकी लोकप्रियता गिर रही है और भाजपा की लोकप्रियता है जो बढ़ रही है। कांग्रेस अपनी कुंठा का प्रदर्शन करने के लिए आए दिन अंटशंट बयानबाजी करते हैं और सच्चे झूठे आरोप भाजपा के ऊपर लगाते हो, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, और मैं सिरे से उनको खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकारों की जो उपलब्धियाँ हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी नीतियाँ हैं, वो पूर्णतः लोकहितकारी हैं, जनहितकारी हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, उनके सभी नुमाइंदों को बधाई भी देता हूँ और उनसे यही आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में वे अपनी इसी नीति को अपनाए रखेंगे, जन कल्याण करेंगे, लोक कल्याण करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। देखिए, भाजपा जो है इस वक्त सत्ता में है, सत्ताधारी दल है, प्रदेश हो या देश हो, जहां पे भी भाजपा की सरकारें हैं वे अति उत्तम काम कर रही हैं और लोगों की चहेती सरकारें बनी हुई हैं। जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उनके पास भाजपा का विरोध करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह इन उल जुलूल बातों से भाजपा के ऊपर कीचड़ उछालना चाहती है, भाजपा का नाम ऐसे मुद्दों में घसीट रही है जिससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेसी और जितने भी विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के हैं, वह थोड़ा संयम बरतें और भाजपा की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनमें हिस्सा लें और जन कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं। मेरा प्रश्न है कि जो चिट्टा में सम्मिलित आ रहे हैं लोग, जिस जगह पे चिट्टा पकड़ा गया वो होटल भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष के भाई का था, जहाँ जो लड़का पकड़ा जाता है वो भी बीजेपी पदाधिकारी का बेटा पाया जाता है, HPCA का वो पदाधिकारी है, तो क्यों इस पे कार्रवाई, क्यों बीजेपी इस पे खामोश बैठी है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये साफ कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसके संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वह कोई भी अनैतिक या कोई ऐसा कार्य करेगी जो समाज में प्रश्नवाचक होगा, जिसको समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा। बावजूद इसके अगर भाजपा का नाम कांग्रेस के लोग ऐसी कहीं जगह पे खींच रहे हैं, तो मैं उनको भी साफ कर देना चाहता हूँ कि भाजपा की ऐसी नीति रीति कोई भी नहीं है। तो वह ऐसी बेकार और बुनियादहीन बातें करके भाजपा को ऊपर आरोप ना लगाएं।